कोहरी खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने लगाया जाम। थाना प्रभारी की समझाइश के बाद हटाया, पुलिस की मौजूदगी में वितरण कराई टोकन। पौरी अनुभाग में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सोमवार सुबह 10 बजे तहसील कार्यालय के बाहर जाम लगा दिया, जहां करीब आधे घंटे तक सड़क के दोनों ओर जाम लगता रहा, जिसकी सूचना के बाद तत्काल पौरी थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान, उप निरीक्षक रामेश्वर शर्मा मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर जाम को हटवाया। वहीं पुलिस की मौजूदगी में टोकन वितरण शुरू कराए गए, जिसमें प्रतिदिन 100 किसानों को टोकन दिए जाएंगे, जिससे खाद वितरण में किसानों को कई परेशानी न हो। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दुर्गेश धाकर। तो क्या क्या समस्या हो गई आपको? समस्या ये है कि खाद की गाड़ी आ चुकी है, जिनने बोला था कि कल आया ना तुम और आज खाद बांटेंगे, लेकिन ये खड़े कर रहे हैं। तो आप जो छक्का जाम कर रहे हो तो कब तक करोगे? मतलब आपकी यही इच्छा है कि जब तक हमको हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम करेंगे? किसानों को खाद चाहिए और किसान आ रहे हैं अभी। तो उन्होंने ये छक्का जाम किया, क्या कारण है? किसानों को बहुत दिन से परेशान है, डेली की डेली टूकन बट रहे, कह दे रहेगा कल बटेंगे कल बटेंगे, डेली ना तारीख लगाई है, आज तारीख लगाई गई है बिन्ने, आज भी खाद की मना करती ना करे तुमने लगाओ खाद का 1700। अब मुझे ये बताओ, अब आप क्या लोग क्या चाहते हो? आप लोग खाद मिलना चाहिए, टूकन मिलना चाहिए, दुकानों पर ब्लॉक हो जाता है, खाते कट्टा 1700 को 1500 को मिल रहा है किसान को। अब बताओ काम में बैठा 500 रुपये डेली हम जिनके पास में आ रहे हैं।